रहता है यहाँ पे, जैसे मजाफ और मजाफ है, यानी कि कोई चीज अगर आपकी मलकियत हो या किसी की भी मलकियत हो, जैसे अल्लाह की जमीन, लोगों की सरकशी, आखरत का घर, गुनहगार का खाना, हामिद का घर। अब इसमें देखिए हर चीज जो है पोजेस्ड एंड पोजेसर दोनों चीजों को शो कर रही है, ठीक है। पोजेसर भी शो कर रही है यानी कि जो मालिक है किसी चीज का, और पोजेस्ड जो चीज है जो कि किसी की मलकियत है उसको भी शो कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे कुरान का हुक्म है तो हुक्म पहले आ जाएगा का के की वाले अल्फाज में। अब इसमें होगा हुक्मुल कुरानी, ठीक है। इस तरह के अल्फाज जिसमें का के की होती है उसमें लफ्जों की जो तरतीब होती है वो बदल जाती है, जैसे यहाँ पे ना कुरान का हुक्म। अब क्या होगा कि हुक्मुल कुरानी, हुक्मुल कुरानी, और मजाफ और मजाफ अलैह की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हुक्मुल कुरानी होती है तो मजाफ में और मजाफ अलैह में एक चीज याद रखिएगा कि इस मजाफ की वजह से हुक्मुल यानी कि इस मजाफ की वजह से जो मजाफ अलैह होता है उसके नीचे जेर लग जाती है, ठीक है। इसके नीचे जो जेर है हुक्मुल कुरान हो क्यों नहीं हुआ, अभी पहले वाले हमने उसमें पढ़ा कि अल अब्बू सालिहुन, बेटा बाप जो है वो साले है, ठीक है। इसी तरह अल बिन्तु सालिहुन, सबके सालिहतुन, बेटी जो है वो नेक है, दोनों के ऊपर पेश आए थे। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा चैप्टर था वो क्या था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि अल्लाह खालिक है, उसमें का के की नहीं आ रहे थे, ठीक है। एक अल्लाह खालिक है यानी कि खालिक बता रहा है कि अल्लाह जो है वो खालिक है, अल्लाह पैदा करने वाला है, बनाने वाला, मोहम्मद नबी यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, तारिक मुजाहिद यानी कि तारिक मुजाहिद है, तारिक की एक स्टेट बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोजेस्ड एंड पोजेसर है, और पोजेस्ड एंड पोजेसर में ये चीज याद रखिएगा कि देखिये पहले के ऊपर पेश आता है हुक्मुल कुरानी, इस मजाफ की वजह से ये जो है इसके नीचे ये जर, इसको जेर कहते हैं या हरूफ जर भी कहते हैं, तो ये जो है यहाँ पे जेर लग गई है, ठीक है। अब यहाँ पे दो पेश नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि ये का के की इस्तेमाल हो रहा है। हुक्मुल कुरआनी, हूद की कौम, कौमु हूदिन, रसूल की दावत, दावतुर रसूली, ठीक है। अब यहाँ पे पेश आ गया और यहाँ पे जेर आ गया, रसूल की दावत, ठीक है। इबादुल्लाही, अल्लाह के बंदे, ठीक है, इबादुल्लाही। इसी तरह बिस्मिल्लाही, ठीक है, बिस्मिल्लाही, अल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाही, इस्मुल्लाही होता है एक्चुअली। बा जब शुरू में लगता है ना बिस्मिल्लाही, अब बेसिकली ये कुछ इस तरह है, इस्मुल्लाह, अल्लाह का इस्म, ठीक है, अल्लाह का नाम, इस्मुल्लाही। लेकिन जब जेर बा शुरू में लगता है ना, बा को कहते हैं हरूफ जर, बाजिर भी जो है वो हरूफ जर होता है, तो अल्लाह का नाम हम कहेंगे तो हम कहेंगे इस्मुल्लाही। लेकिन जब हम नाम साथ अल्लाह के, शुरू अल्लाह के नाम के साथ हम कहते हैं तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाही, क्योंकि बा जेर लग गई तो इस्मुल्लाह जो है वो फिर बिस्मिल्लाह हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे देखें इबादुल्लाही, अल्लाह के बंदे, ठीक है, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। लेकिन अभी खैर हमारा ये सब्जेक्ट है, जब मैं हरूफ जार पे जाऊंगी, हरूफ जर की तरफ जाऊंगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि जब इस तरह के हरूफ जर लगते हैं तो फिर क्या स्टेट हो जाती है सेकंड वन की। और अरबी में एक चीज याद रखिएगा, जो ये आपका होता है ना फर्स्ट जो आपका वर्ड होता है वो सेकंड वर्ड पे असर कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि इस मजाफ की वजह से ये जो मजाफ अल है इसके नीचे जेर आई है। अब सबके नीचे देखें इबादुल्लाही, बैतुल्लाही, खल्कुल्लाही, इबादुल्लाह अल्लाह के बंदे, बैतुल्लाही अल्लाह का घर, खल्कुल्लाही अल्लाह के, अल्लाह का रसूल। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखें नीचे कुछ तर्जुमा करते हैं अब हम कुछ अल्फाज का। इसी अब इसी कायदे के तहत अल्फाज बनाने के लिए पहले इस सबक के आखिर में दर्शुदा अल्फाज मायनी के साथ याद कर लीजिए, फिर तर्जुमा की मशक कीजिए। दौरान मुताला जहाँ अल का इस्तेमाल होगा पहले सबक की तरह, यहाँ भी अल आने से दो जेर की जगह एक जेर का ख्याल रखिए। जब हम अल किताब करेंगे तो एक जेर, हम एक जबर जो है वो हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है।
सॉरी एक पेश जो हमारी खत्म हो जाती है. तो यहाँ पे भी जब अल का अल आने से दो जेर की जगह एक जेर रह जाएगी. पिछले सबक में हमने देखा था दो पेश की जगह एक पेश रह गई थी और यहाँ पे अल लगाने से दो जेर की जगह एक जेर रह जाएगी. अच्छा यहाँ पे देखें तर्जमा करते हैं किताबुल्लाही, पहले वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं. अस्सलातु नमाज को कहते हैं, अन्नासु लोगों को कहते हैं, ताकि आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग करने में आसान हो. वैसे कल मैंने ये आप लोगों को होमवर्क दिया था, आप लोगों को आना चाहिए. अच्छा जी लबनुन दूध को कहते हैं, लबनुन दूध, बकरुन गाय, सूरतुल बकरा से लबनुन दूध, ये आप लोगों के लिए एक नया वर्ड होगा. बकरुन गाय सूरतुल बकरा से. रईब जालिकल किताबु ला रईब फी, वो वाला शक, ठीक है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये वही वाला रईब है शक. इकामतुन कायम करना, ठीक है, नमाज कायम करो, ठीक है, इकामतुस सलात कायम करना. अताअतुन अतात करना, ये भी उर्दू का वर्ड है. अर्जुन जमीन, ये भी अक्सर अर्ज जो है उर्दू में भी यूज होता है, जैसे कुर्राए अर्ज, ठीक है, कुर्राए अर्ज इसका अर्ज, ठीक है, यानी कि साइज को भी हम कहते हैं कि भाई इस जमीन का अर्ज कितना है, कपड़े का अर्ज कितना है, ठीक है. तक तो यानुन सरकशी. आखिरतुन आखिरत. दारुन घर. अच्छा दार से कुछ वर्ड्स उर्दू के अगर किसी को याद हो, दार अक्सर मदरसों के बाहर लिखा हुआ है, दारुल फलाना, दारुल किताब, ठीक है, और भी बहुत कुछ लिखा होता है, बुक सेंटर्स के बाहर लिखा होता है दारुल फलाना, तो उससे क्या होता है कि पता चलता है अच्छा दार का मतलब घर होता है. असीमुन गुनाहगार, ठीक है, असीम कहते हैं गुनाहगार को. तआमुन खाना, ठीक है, हमने तआम का इंतजाम कर लिया है, ठीक है, अक्सर शादियों में लिखा होता है, शादी वाले कार्ड के ऊपर उर्दू में अगर छपा हुआ हो तो वहां पे वो जो खाने के टाइम को लिखा होता है तआम, ठीक है, अगर आप पाकिस्तानी उसमें देखें तो देखिए कितने सारे अरबी वर्ड्स मिलते जुलते हैं. खैलुन घोड़ा, ये शायद आपके लिए न्यू वर्ड होगा, ठीक है, घोड़े को खैल कहते हैं. वालिदैन वालिदैन को कहते हैं माँ बाप को, ये भी उर्दू का वर्ड है. सुन्नतुन सुन्नत आदत को कहते हैं, तरीका तरीका को कहते हैं, और ये भी हम नॉर्मली अपने आम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं. यौमुन दिन को कहते हैं, यौमुद्दीन, ठीक है, बदले का दिन. ये तो हो गए जनाब आपके वर्ड्स मीनिंग. अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं. अब आप लोगों ने खुद थोड़ा सा इन वर्ड्स मीनिंग को सामने रखते हुए, ये सामने ही आपके मीनिंग्स हैं, अब आप लोग बोलेंगे और मैं आपसे सुनूंगी, ठीक है. किताबुल्लाही, अपने अपने माइक्स ऑन कर लें. सायरा किताबुल्लाही तर्जमा कीजिए उर्दू में. चलिए फर्स्ट का मैं करती हूँ, सेकेंड का आप बताइएगा. किताबुल्लाही अल्लाह की किताब. जिले हुमा लिंक कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने आपको शेयर किया इनबॉक्स. अच्छा जी कलामुल्लाही, कलामुल्लाही अक्सा अल्लाह का कलाम. क्या बात. सुन्नतुर रसूल निदा, सुन्नतुर रसूल की सुन्नत. क्या बात. रईब रईबुल इंसानी, रईब कहते हैं शक को. मिली आसिम, मिली आसिम अभी एक और भी कोई स्टूडेंट आई है. अच्छा इकरा आई. हाँ जी सायरा रईबुल इंसानी. सायरा नूर रईबुल इंसानी. सायरा आपकी आवाज नहीं आ रही भाई. हाँ जी इकरा रईबुल इंसानी. निदा इंसान का शब्द. हाँ जी निदा. जिक्रुर रहमानी. रहमान फजलुल्लाह, अल्लाह का फजल. अल्लाह का फजल.
यौमुद्दीन मैं पढ़ रही हूँ यौमुद्दीन हाँ जी यौमुद्दीन इकरा मैम हाँ जी यौमुद्दीन मिली आसिम मलीहा यौमुद्दीन मैम दीन का दिन तो नहीं है नहीं नहीं दीन का दिन नहीं है दीन किसे कहते हैं दीन को कल बताया था मैंने दीन किसे कहते हैं मीनिंग बताएं मुझे जल्दी से दीन किसे कहते हैं कल बताया था हाँ जी अक्सा दीन किसे कहते हैं भाई हलीमा मैम बदले को कानून या इंसाफ यस बदले का दिन जिस दिन इंसाफ होगा ठीक है जो अल्लाह ताला जब कहते हैं सूरह फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम कि अल्लाह ताला रहमान है और रहीम है हमने इसी को पकड़ा हुआ है कि जी अल्लाह ताला बहुत रहमान है और बहुत रहीम है इसलिए हमने सीधे जन्नत में चला जाना है क्यों क्योंकि अल्लाह रहमान है आगे अल्लाह ताला ने कहा है कि मालिक यौमिद्दीन भाई मैं बदले के इंसाफ के दिन का मालिक भी हूँ इसलिए ऐसी बात नहीं है कि तुम गुनाह दर गुनाह करते रहोगे तो मैं हिसाब नहीं लूंगा और तुम्हें बगैर हिसाब के जन्नत में भेज दूंगा तो बड़ी बैलेंस है हम लोग क्या करते हैं वो अर्रहमान अर्रहीम तो हमें याद है मालिक यौमिद्दीन याद नहीं होता तो कुरान बड़ा बैलेंस है तो क्या जो है इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं ठीक है क्या अमल करने वाले और बेअमल बराबर हो सकते हैं कभी भी नहीं हो सकते अगर आपने कोई पोजीशन लेनी है कोई आपको स्टेटस चाहिए उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और हमने सिर्फ अर्रहमान अर्रहीम तो याद है मालिक यौमिद्दीन याद नहीं है बदले का दिन याद नहीं है ठीक है ये वो वाला बदले का दिन है अच्छा जी इकामतुस्सलात इकामतुस्सलात हाँ जी नमाज को कायम करना नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है नमाज को कायम करने का हुक्म है भाई ठीक है तो नमाज कायम करना ठीक है कायम किस तरह से पक्के हो जाना कि ये तो बस फर्ज है ना अच्छा जी रहमतुल्लाही रहमतुल्लाही हलीमा यस मैम अल्लाह ताला की रहमत ठीक है इताअतुल वालिदैन वालिदैन की अतात अच्छा मैं कुछ अपनी तरफ से वर्ड्स बोलूंगी आप लोगों ने बताने किताबुल्लाही जल्दी जल्दी बोल रहा है सब अल्लाह ताला की किताब सब माइक्स ऑन कर लें शाबाश अब मैं अनसीन पूछने लगी हूँ जल्दी से माइक सारे ऑन सिर्फ वो वाले ऑफ कर लें जिनके बैकग्राउंड में जरा बच्चे हैं ठीक है रसूलुल्लाही अल्लाह का रसूल अच्छा नबीउल्लाही अल्लाह का नबी क्या भाई वलीउल्लाह अल्लाह का दोस्त या वली अल्लाह का वली या अल्लाह का दोस्त हबीबुल्लाह अल्लाह का प्यारा अल्लाह का प्यारा खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त क्या भाई अच्छा नसरुल्लाह अल्लाह की मदद क्या भाई शाबाश अजाबुल्लाह अल्लाह का अजाब नेमतुल्लाही नेमत अल्लाह की नेमत अब्दुल्लाही अल्लाह का बंदा शाबाश अच्छा अब्दुल रहमान रहमान का बंदा शाबाश कल्बुल मोमिन मोमिन का दिल शाबाश अच्छा जी मेराजुल मोमिन मोमिन की मेराज अच्छा जी अस्सलातु मेराजुल मोमिन नमाज मोमिन की मेराज है शाबाश 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 अच्छा जी अस्सलातु इमादुद्दीन इमाद कहते हैं नमाज हाँ है। अस्सलातु इमादुद्दीन नमाज दीन का सुतून है शाबाश अब आई समझ
کیا پڑھا ہم نے؟ سمجھ آئی مشکل ہے عربی؟ نو میم. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو کہا تھا میں سبق بہت تھوڑا سا دوں گی لیکن ہم پریکٹس کریں گے, تو جو ورڈز میننگ آپ کو دیتی ہوں بیٹا اور ڈیلی کے وہ یاد کرنے آپ. ٹھیک ہے, چلیں جی اب شروع کرتے ہیں. ذرا اللہ کی زمین, ذرا عربی تو کریں اس کی, یہ تھوڑا سا مشکل کام آ گیا. ارض اللہ, ارض اللہ لوگوں کی سرکشی. سرکشی کہتے ہیں طغیان کو اور لوگ کہتے ہیں الناس کو. ہاں جی, طغیان الناس سی. شاباش, طغیان الناس سی. آخرت کا گھر, دار الاخرۃ. آخرتی دار الاخرتی یا الدار الاخرتی. اچھا جی, اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس؟ گناہگار کا کھانا. گناہگار کا کھانا, کھانا کہتے ہیں طعام کو, طعام. ہاں, اور گناہگار کہتے ہیں اسیم کو, اسیم. طعام طعام اسیم, اسیم اسیم. شاباش. حامد کا گھر, الدار حامد. حامدی. اچھا جی, یہ تو جناب. میم. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, کسی نے کچھ کہنا تھا بیٹے؟ کسی کی آواز بند ہو گئی ہے.